शतन को देखो कितना सुंदर बनाया है, मान शतन को देखो कितना सुंदर बनाया है, मन बुद्धि और इंद्रियों को इस पे सजाया है, मन बुद्धि और इंद्रियों को इस पे सजाया है, अष्टचक्र नौ द्वार नमस्कार नमस्कार, अष्टचक्र नौ द्वार नमस्कार नमस्कार, मंगलमयी माँ हम आए तेरे द्वार, मंगलमयी जय मां 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 जय जय मां ओ जय चरणों में वंदन करते हुए एवं राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ आदिशक्ति भवानी के चरणों में वंदन करते हुए जो परापशंती मध्यमा और वैखरी के रूप में व्यक्ति के अंदर विराजमान है उसके चरणों में वंदन करते हुए निवेदन करें, माँ हमें कथा कहने की और कथा सुनने की शक्ति प्रदान करें, हमें नहीं जो सारी दुनिया को जो ब्रह्मा को सृजन की शक्ति प्रदान करती है, जो विष्णु को पालनी शक्ति प्रदान करती है और जो शंकर को संहारिणी शक्ति प्रदान करती है, ऐसी माँ के चरणों में वंदन करते हुए आइए ले चलते हैं आपको उस पावन प्रसंग की ओर जहाँ हम मधु और कैटव का प्रसंग सुन रहे थे और मैंने कहा कि भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा जो ही विराजमान हुए कमल के ऊपर चारों तरफ दृष्टिपात ही कर रहे थे, इतने में नीचे नजर गई और जो ही नीचे नजर गई तो भगवान के कान के मैल से दो राक्षस निकल कर आए और जो दौड़े ब्रह्मा को खाने के लिए। दोनों राक्षसों को देख करके ब्रह्मा डर गए क्योंकि बड़े विशाल राक्षस थे और ब्रह्मा डर करके भगवान की शरण में पहुंचे, लेकिन उस समय भगवान योग निद्रा में शयन कर रहे थे। मैंने कहा ना, भगवान के भी अपने हाथ की बात नहीं है कि वो स्वतंत्र होकर के कुछ कर सके, वो भी महामाया के वशीभूत है, जब चाहे उसको महामाया सुला दे और जब चाहे उसको महामाया उठा दे, जैसे हम और आप करते हैं, जब घर का काम करना हो तो
तो बच्चे को दूध दूध पिला करके थपकी दे करके सुला देते हैं, और जब स्कूल उकूल भेजना हो तो सोए हुए बच्चे को उठा देते, उठो बेटा नाव धो स्कूल का टाइम हो गया, जाओ अब स्कूल के। ठीक इसी तरह महामाया भी भगवान के साथ ऐसा ही करती है, जब चाहे उसको सुला दे वो, और जब चाहे दुनिया का पालन करने के लिए उसको उठा दे। उस महामाया ने योग निद्रा में सुला रखा था। ब्रह्मा ने योग निद्रा की स्तुति की है, पढ़िएगा आप दुर्गा सप्तशती, तुम स्वाहा तुम सुधा तुम वसटकार स्वरवात स्वरात्मिका सुधरा तुक्षरे नित्य। ये बिल्कुल योग निद्रा की स्तुति की गई है दुर्गा सप्तशती में आपकी। और जो ही स्तुति की, योग निद्रा धीरे 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 निकल करके भगवान के शरीर से सामने खड़ी हुई, जैसे बादलों के सामने से धीरे धीरे बादल हटते हैं सूर्य के सामने से और सूर्य साफ दिखाई देने लगता है, ठीक इसी तरह योग निद्रा निकलकर बाहर खड़ी हुई, भगवान विष्णु खड़े हुए। और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को डरे हुए देखा और पूछा है, ब्रह्मा जी आप ऐसे डरे हुए क्यों खड़े हैं, आपको पसीना क्यों आया हुआ है। वदत्तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम, कहिए अपने दुख के कारण को, क्या परेशानी है आपको। कहा, प्रभु आपके ही कान से निकले हुए दो मधुर कैटव मुझे खाने के लिए दौड़ रहे, और मैं शायद पहले भी कल भी कह करके चला था वो मधुर कैटव तुम्हारे पास भी हैं। कहाँ, तुम्हारे कानों से निकलते हैं वो। मधु माने होता है मीठा, अर्थात राग, और कैटव माने काटने वाला अर्थात द्वेष, और ये राग और द्वेष पैदा होते हैं कान से। कोई तुम्हारी बड़ाई करे तुम्हें उसके प्रति राग हो जाता है, प्रेम हो जाता है। कोई तुम्हारी बुराई करने लग जाए तुम्हें उसके प्रति द्वेष हो जाता है, और इसी राग द्वेष के ऊपर ये पृथ्वी टिकी है। भाग्यवान है वो इंसान जो महामाया के चरणों में बैठकर इनसे थोड़ा ऊपर उठ जाए, फिर क्या हो जाए, उसको महामाया की महती कृपा प्राप्त हो जाती है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, और क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात नहीं है, तुम्हारी बात तो छोड़ो, वो भी राग द्वेष से बंधे हुए हैं भैया। यहां देखिए, ब्रह्मा जी ने जो ही निवेदन किया, मधु और कैटव के साथ भगवान विष्णु लड़ने के लिए तैयार हो गए, और एक दो दिन नहीं लड़े तो पंच वर्ष शैश्राणी बाहु पर हरणो विभो, 5000 वर्षों तक लड़ते रहे लेकिन मधु और कैटव मरे नहीं। भगवान विष्णु लड़ते लड़ते थक गए मधु और कैटव के साथ, लेकिन मधु और कैटव मरे नहीं। तब भगवान विष्णु ने महामाया की स्तुति की, एक जगदम्बके हे राजराजेश्वरी मां संभालो इनको, इनको मारना इतना आसान नहीं है, इसलिए आप ही कृपा कर दीजिए मां। और जो ही मां भगवती के चरणों में निवेदन किया है भगवान विष्णु ने, तो अब दोबारा कहा है मां भगवती ने, प्रभु जाकर के दोबारा लड़िए, कहो मरने वाले नहीं है, बहुत ताकतवर हैं वो, कहा आप जाइए तो सही, आप युद्ध तो करिए जाकर के। और जो ही मधु और कैटव के साथ दोबारा भगवान विष्णु ने युद्ध किया है, तो भगवान विष्णु के अंदर भी वो बुद्धि दी कि लड़ते लड़ते उनकी वीरता पर इतने प्रसन्न हुए, तो भगवान विष्णु कहने लगे, मधु कैटव मुझे दुनिया में कोई हरा नहीं सका, इतने बड़े वीर मैं पहली बार देख रहा हूं,
जो मेरा सामना कर रहे, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे कोई वरदान मांगो। लेकिन मां भगवती ने उनको भी मोह में डाल रखा था पहले, इसलिए दोनों मधु और कैटभ कहने लगे, विष्णु वरदान वो मांगता है जो कमजोर हो, हम तुमसे कोई कमजोर नहीं है, इसलिए तुम हमसे वरदान मांगो। हमें तुमसे कोई वरदान की जरूरत नहीं है, हम तुमसे हार जाते तब हम तुमसे वरदान मांगते, लेकिन हम तुमसे हारे नहीं है, इसलिए तुम हमसे वरदान मांगो। तब भगवान ने कहा भीज वरदान दे दो मुझे। क्या मांगो? कि यही वरदान दे दो कि तुम दोनों मेरे हाथों से मर जाओ। क्या? तुम यही वरदान दे दो हमें कि तुम दोनों मेरे हाथों से मर जाओ। पसीना आ गया मधुर कैटभ को। क्यों? क्योंकि वरदान देने के लिए कह दिया और भगवान विष्णु ने वरदान मांग लिया। क्या मांगा? कि तुम दोनों मेरे हाथों से मर जाओ। मांग ली ना अपनी मौत अपने हाथों। मधुर कैटभ ने कहा ठीक है, हम आपके हाथों से मर जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? हम गीले में नहीं मरेंगे। और उस समय सारी दुनिया में पानी ही पानी था। और मधु और कैटभ ने कहा है हम गीले में नहीं मरेंगे। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से इसका हम व्याख्यान आप लोगों के सामने कहें, गीलापन है राग, गीलापन है ममता मेरा। और साफ कह रहे हैं मधु और कैटभ, हम गीले में नहीं मरेंगे। यदि ममत्व तुम्हारी जिंदगी में रहा तो तुम्हारे राग द्वेष कभी मर नहीं सकते। वो भगवान को भी यही कह रहे हैं, तुम्हारी बात छोड़ी, वो भगवान से वरदान मांग रहे हैं कि हम गीले में नहीं मरेंगे। हम सूखे में मरेंगे और सूखापन वैराग होता है मेरे भाई। नीरस जिसे कहते हैं सूखापन। इसलिए भगवान विष्णु ने अपनी जंघा को फैलाया है चार योजन में, और अपनी जंघा को फैलाकर दोनों मधु और कैटभ की गर्दन अपनी जंघा पर रखी है और सुदर्शन चक्र के माध्यम से उनकी गर्दन को काटा है। और जो ही उनकी गर्दन कटी और उनकी गर्दन कटने से जो मज्जा निकली उसी से ये पृथ्वी बन गई, इसलिए पृथ्वी का एक नाम है मेदिनी। क्या नाम है बोलो? मधु और कैटभ की मज्जा से जो बनी है उसे कहती है मेदिनी, अर्थात पृथ्वी। ये पृथ्वी मधु और कैटभ की मज्जा से बनी है, राग द्वेष से संलिप्त है ये। इससे यदि छुटकारा पाना चाहते हो तो महामाया के चरणों को पकड़ लो, अन्यथा कितना ही बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा धार्मिक हो, हाँ कितना ही बड़ा ऐश्वर्यवान हो, कितना ही बड़ा पदवान हो, यहां बगैर राग द्वेष के जिंदगी चलने वाली नहीं है भाई। उससे यदि बचना चाहते हो तो मान लीजिए मधु और कैटभ की बात, उन्होंने कह दिया हम गीले में नहीं मरेंगे, हम सूखे में ही मरेंगे। और सूखापन है थोड़ी निरसता, थोड़ा बैराग, थोड़ा अभ्यास, जो अर्जुन को बता रहे अभ्यास होने तो कंत वैराग्य गृहते, नहीं तो वही राग खड़ा है सामने किसके? अर्जुन के। और अर्जुन कह रहा है ये सब मेरे हैं, और भगवान कह रहे तेरा कोई भी नहीं है, तेरा अपना शरीर नहीं है तो ये तेरे कैसे हो सकते हैं? अरे तुम्हारा अपना शरीर तुम्हारी बात नहीं मानता तो दूसरा तुमसे जो तुम कैसे तुम्हारी बात मान लेगा? तुम अपने शरीर का एक रोवा उखाड़ो,
और उसको दोबारा लगा दो, मान जाऊंगा कि तुम्हारी बात मानता है। जब एक रोआ तुम्हारी बात नहीं मानता, इस शरीर से अलग जो चीज बनी है वो तुम्हारी बात कैसे मान लेगी? यदि बात मनवाना चाहते हो तो महामाया के चरणों को पकड़ लो, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहन, रागत द्वेष से यदि छुटकारा पाना चाहते हो, मैं और मेरेपन से यदि छुटकारा पाना चाहते हो, तो जैसे मां भगवती कहती है वैसी बात मान लो। वही बुद्धि के रूप में तुम्हारे अंदर बैठी है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संसिताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो तुम्हारे इस रथ की सारथी है, और यदि बुद्धि ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और बुद्धि ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं। क्या गुजरात में एक कहावत है, सुबह की चाय बिगड़ी तो संध्या खराब हो गई, दाल भात बिगड़ा तो दिन भर खराब हो गई। औरत बिगड़ी तो जिंदगी बिगड़ गई, और बुद्धि बिगड़ी तो 84 लाख बिगड़ गई, और बुद्धि नहीं बिगड़ी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, और बुद्धि के रूप में बैठी है भगवती, और भगवती तुम्हें प्रेरणा कर रही है कि तुम्हें क्या करना है, किस तरह तुम्हें चलना है। मैंने कहा ना कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी चलाने वाली भगवती है। आप दुर्गा सप्तशती का कवच पढ़ करके देखिए, वहां लिखा है विधि हरि हर विरचितम दिव्य कवच। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। विधि हरि हर विरचितम दिव्य कवच, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा रचित है। इसलिए बड़े ढंग से पढ़ना इसे देवी भागवत को, क्योंकि यदि ढंग से एक बार देवी भागवत को पढ़ लिया तुम्हें पता चल जाएगा कि जिंदगी को कैसे चलाना। और एक बार महामाया को यदि तुमने पकड़ लिया, महामाया की यदि तुमने आराधना करना शुरू कर दी, तो सोच ले सारी देवी देवताओं की आराधना कर ली। क्यों? क्योंकि बगैर शक्ति के तो शक्तिमान की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। चाहे वृंदावन जाइए, चाहे अवध में जाइए, चाहे हरिद्वार जाइए, चाहे बनारस जाइए, बगैर राधा के तो कृष्ण भी आधा है, हाँ बगैर सीता के तो राम भी फीका है भैया। इसलिए मेरे भाई बहन, मां के चरणों में बैठ करके यही निवेदन करो, मां माई मुझको देखना है कि तुम कितनी मेहरबान है। माई मुझको देखना है कि तू कितनी मेहरबान है, ये मेरा इम्तिहान नहीं तेरा इम्तिहान है। माई मुझको देखना है कि तू कितनी मेहरबान है। माई मुझको देखना बिजलियां गिरती रही चमन
पता मैं क्यों न कहूं, सबसे तू महान है अब तू बता मैं क्यों न कहूं, सबसे तू महान है ये तेरा इम्तिहान नहीं, तेरा इम्तिहान है भाई मुझको देखना है कि तू कितनी मेहरबान है भाई मुझको देखना देखना है कि तू कितनी मेहरबान।